नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे, यदि हमें 2 डिजिट का कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी आपके पास कोई एक 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, उनके दोनों डिजिट्स का सम कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। जैसे मैं ले लेता हूं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लेता हूं जिसका सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। जैसे मैंने लिया 63, तो 6 + 3 इज इक्वल टू कितना बनना चाहिए? 9। यानी उनके डिजिट्स का सम 9 आना चाहिए। इसके बाद लिखा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। इस तरह के आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, सबसे पहले क्या करेंगे, वंस प्लेस का डिजिट मान लेंगे, एक्स है, टेंथ प्लेस का डिजिट मान लेंगे, वाई है। इसके बाद देखिए नंबर क्या बनेगा, मेरे पास नंबर बनेगा वाई एक्स, तो मेरे पास ये नंबर बना है वाई एक्स। वाई की वैल्यू क्या ली है मैंने यहाँ पे? 5। और एक्स की वैल्यू क्या ली है मैंने यहाँ पे? 6। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 50 + 6, और 50 को फर्दर लिखा जा सकता है 10 × 5। तो यही होगा मेरे पास। तो मैं इसे क्या लिखता हूं, 10y + x। तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा, अगर मैं 10th place y ले रहा हूं और 1th place x ले रहा हूं, तो नंबर आएगा 10y + x। इसके बाद बात कर रहा है रिवर्सिंग द ऑर्डर। यदि इन नंबर्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए तो मेरे पास जो ये 56 था कितना बन जाएगा? 65। यानी 5 की जगह 6 चला जाएगा और 6 की जगह 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स करूं तो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद क्या होगा, x की जगह y चला जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो ये मेरे पास रिवर्स करने पे नंबर बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी उनके डिजिट्स का जो सम है, डिजिट क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई लिए है ना मैंने डिजिट, इनका सम कितना दे रखा है? 9। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी x + y = 9। इसके बाद देखते हैं आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है, ये बना ना ओरिजिनल नंबर, इसका कितना? 9 टाइम। इसको क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, और इसका 2 टाइम, दोनों इक्वल होंगे। इस वाले नंबर का हमें क्या करना है, 9 टाइम, और इस वाले का 2 टाइम, दोनों इक्वल होंगे। अब इसे क्या करते हैं, फर्दर सोल्व कर लेते हैं। पहले 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 2 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। अब क्या करते हैं, इन्हें या तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए या राइट हैंड साइड में ले जाइए। मैं यहाँ पे इनको राइट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं, तो ये राइट हैंड साइड में आएगा तो -9x, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11x बन गया। ये 90 राइट हैंड साइड में आएगा तो -90y, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -88y = 0। जब भी आपके पास कोई भी कंप्लीट इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो, जैसे ये वाली आपके पास इक्वेशन 11 से डिवाइड हो सकती है ना, तो उसे आप 11 से डिवाइड करके रिड्यूस कर दीजिए। तो इक्वेशन बनेगी 11 से डिवाइड करने के बाद x - 8y = 0। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन्हें आप किसी भी मेथड से सोल्व कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए एक्स और वाई का। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करता हूँ, एक्स के कोफिशेंट इक्वल है मेरे पास तो इनके क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको एड करेंगे तो ये 1 और ये क्या हो गया, +8 9y, और ये = 9। तो y = कितना बना, 1। अब y की वैल्यू 1 को आपकी मर्जी इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं इसे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, y की जगह हमें पुट कर देना है 1। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बनेगी x + 1 = 9। 1 को राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे, -1 हो जाएगा तो x = कितना आ गया, 8। x की वैल्यू भी निकल आई मेरे पास और y की वैल्यू भी मेरे पास है।
तो इसे क्या करेंगे, हमें नंबर बताना है, फाइंड द नंबर, हमें एक्स और वाई नहीं बताने, नंबर बताना है। नंबर क्या है मेरे पास, टेन वाई प्लस एक्स, तो नंबर है टेन वाई प्लस एक्स, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे हम वन, और एक्स की जगह क्या रखेंगे एट, इसे इवेल्युएट करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 18। तो हमारे पास नंबर क्या बना है, जो टू डिजिट नंबर, टू डिजिट है ना इसके 18। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका वेरिफिकेशन और करके देख लेते हैं मेरे पास आंसर ठीक आया नहीं आया। सबसे फर्स्ट कंडीशन मेरे पास दे रखी है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, यानी इन दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9, दोनों का सम करके देखो 1 प्लस 8 कितना बना 9। इसके बाद सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि जो नंबर आया है इसका 9 टाइम, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना बना 162 इज इक्वल टू होगा ट्वाइस, यानी टू टाइम ऑफ, यदि नंबर के ऑर्डर को क्या कर दे चेंज कर दे, नंबर का ऑर्डर चेंज करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 8 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बना 162, तो दोनों इक्वल आ गए, तो मेरा क्वेश्चन एकदम सही है। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों डिजिट जो डिफरेंस है कितना है 2 है, फाइंड द नंबर, और साथ में पूछ रहा है हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, इस तरह के कितने नंबर मेरे पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस मान लेंगे एक्स है, टेंस प्लेस एज्यूम करेंगे वाई है, तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, और इसे क्या करेंगे हम नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट और निकाल लेंगे कितना बनेगा, एक्स की जगह वाई लिख देना और वाई की जगह आपको एक्स लिख देना है, तो ये बनेगा 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या लिखी है, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी आपके पास जो नंबर बना है और जो इसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 66। तो यहां से पहले ये नंबर लिखेंगे प्लस ये वाला नंबर लिखेंगे इज इक्वल टू कितना है 66, इसे ऐड कर लेते हैं x और 10x कितना बना 11x, 10y और y कितना बना 11y, तो यहां से 11 कॉमन आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 11x प्लस y इज इक्वल टू 66। और यदि आपके पास कोई पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड होती है तो उसे डिवाइड कर दें, यहां पे क्लियरली दिख रहा है 11 से डिवाइड हो सकती है, तो 11 से डिवाइड होने के बाद इक्वेशन बनेगी x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पे लिखा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी इनका डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस के केस में क्या होगा, x माइनस y इज इक्वल टू 2, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम कि y में से x को सब्ट्रैक्ट करें तब 2 आए मेरे पास, तो आपके पास इन दोनों में से एक इक्वेशन हो सकती है, हम दोनों को ही लेके चलेंगे, दो केसेस बना लेंगे, एक केस में आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करोगे, इक्वेशन 1 और 2 आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, सोल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू बनेगी 4 और y की वैल्यू बनेगी 2, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है, तो यहां से आपके पास नंबर क्या आ जाएगा 10y प्लस x, यही है ना नंबर, तो इसके अंदर क्या करोगे आप y की वैल्यू 2 रखेंगे और x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो नंबर बन गया 24। सेकंड केस आपके पास क्या हो सकता है, सेकंड केस में हमें इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करना है, इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करेंगे तो आपके पास सोल्व करने के बाद x की वैल्यू बनेगी 2 और y की वैल्यू आएगी 4, इन दोनों वैल्यूज को इस नंबर में पुट कर देंगे 10y प्लस x में, तो नंबर आ जाएगा मेरे पास 42। तो हमारे पास यहां से क्या है, दो नंबर बने हैं, या तो 42 बन सकता है या 24 बन सकता है, और यहां पे पूछ रहा था हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो हमने यहां लिखा है थस देयर आर टू सच नंबर्स, कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, 42 हो सकता है या 24 हो सकता है, वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या दे रखा, सबसे पहली कंडीशन थी कि यहां पे मेरे पास
जो टू डिजिट का नंबर बनाए, मान लीजिए मेरे पास नंबर क्या बनाया है यहाँ पे 24 या फिर 42, एक नंबर ले लेते हैं, मैंने पहले लिया 42, इसका डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, 42 को रिवर्स करेंगे कितना बना 24, 24 बना, इन दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए 66। यदि मैं पहले 24 लेता तो इसके डिजिट को रिवर्स करता कितना बनता 42, दोनों का सम कितना होना चाहिए 66। अब इसके बाद बात की जा रही है कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना आना चाहिए 2। इसमें भी देखिए 42 में एक डिजिट है 4, दूसरा है 2, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ रहा है डिफरेंस 2। इसमें भी देखिए आपके पास जो दूसरा नंबर बना 24, 4 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, अगेन से 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। थैंक यू।